हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि आपके एलजेब्रिक या फिर मैथ्स के प्रॉब्लम में बनाने में ये हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला हमारा। हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला एलजेब्रा में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पहला है फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा इसका, ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर इसे हम बदल के लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे भी इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, आमतौर पर ये ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है। तो क्या बोलोगे आप, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे हम और एक रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर ये प्लस बी का ले देंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप ऐसे आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी होगा ए स्क्वायर, ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू ए बी, फिर से प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। इसे भी आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा आपका, तब इस तरह से सेट करके वैल्यू को पुट करके बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है, हमारे अंकल जी या भैया जी जो हमसे सीनियर होते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको पूछेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, जो पूछा जाएगा उसका सबका स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे, टू ए बी टू ए सी और टू बी सी, ठीक है, सब में टू लगा दोगे और ए बी ए सी बी सी, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल है याद करना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद कर लेना। सेम टू सेम यहाँ पे है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी प्लस टू बी सी। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को याद कर लेना है, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको हर जगह पे यूजफुल होने वाला है ना। तो चलिए आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारा है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको इस तरह से इसे याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फार्मूला है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस वाला है, यहाँ पे क्या वाला है, प्लस वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से है ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ याद रखना है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ए का स्क्वायर है और बी है, यहाँ पे ए है सिंगल और बी का स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे इसका, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है मैथ्स में, ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।